वेलकम टू 99 सब्लिमेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब चैनल का इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर करिए। तो आज हम लोगों का एक नया वीडियो आ रहा है, तो इस वीडियो के बारे में डिटेल्स हम लोग बताएंगे। तो शुरू करने से पहले टुडे जो वीडियो होगा उस बारे में आप डिटेल बताएंगे। आज जो वीडियो हम करने जा रहे हैं आज 3D मशीन्स के बारे में, जिसके साथ मोबाइल कवर्स की प्रिंटिंग, मोबाइल कवर्स जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल कवर्स की प्रिंटिंग, सिर्फ मोबाइल कवर प्रिंटिंग बिजनेस के स्टार्टअप के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। जैसे ये मोल्ड्स हैं, ये मोल्ड हम यूज़ करते हैं मोबाइल कवर की प्रिंटिंग के लिए। एक हर एक मॉडल के अलग अलग मोल्ड्स आते हैं और हर एक मोल्ड्स को हम हीट करके मशीन्स के थ्रू इस कवर को हम रेडी करते हैं। इसमें आप और भी कवर्स बना सकते हैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं सारे कवर्स। मोल्ड्स के बारे में आपको बाद में बताएंगे, इसके पहले ये मशीन्स के बारे में देखते हैं क्या इसे कौन से मशीन पर प्रिंट करते हैं। देखिए ये 3D हीट प्रेस मशीन है, 3042 ST 3042 इसका मॉडल नंबर है। ये अभी मशीन हीट हो रही है, इसके अंदर ये मोल्ड है जो कि प्री हीटेड है और ये ऑलरेडी हीटेड है जिसके थ्रू हम प्रिंट करेंगे। और ऑलरेडी हीट होने के कारण हम इस कवर को सिर्फ जस्ट 2 मिनट में हम रेडी कर सकते हैं इस कवर को, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं इस कवर को रेडी कर सकते हैं, जैसे कि ओनली 2 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हैं प्रिंट को। ये देखिए कवर को हमें इस तरह से इसमें सेट करना होगा। ये मोल्ड जो है इसका नहीं है, ये मोल्ड हमें दूसरा लगाना होगा इसके लिए। देखिए ये है इस मोल्ड, जैसे कि मैंने ये मॉडल चूज़ किया है प्रिंट करने के लिए, बट हमने जो मोल्ड रखा है वो डिफरेंट मॉडल का है। तो ये भी इससे भी हमें ये भी पता चलता है कि हम एक मोल्ड में, जैसे कि दूसरा मॉडल अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसमें दूसरे किसी मॉडल का डाई हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो डाई हमें उसके लिए सेम मॉडल की चाहिए होगी। तो हम उसके लिए आपको हम डाई लगाते हैं, रुके देखते हैं आपको दिखाते हैं डाई लगाकर, तब तक आप मशीन के बारे में। सो देखिए दोस्तों, अभी टेम्परेचर और टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट हो रहा है और मोल्ड्स भी आने वाला है, क्योंकि हर एक टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा डिफरेंट मोबाइल कवर के लिए डिफरेंट मोल्ड होता है। मोल्ड कवर में हर एक वीडियो मैंने डाला था इस पे चैनल पे, आप देखिए व्हाट इज मोल्ड, मोल्ड का क्या फंक्शन है, इस बारे में हम लोग बताए ऑलरेडी। ये देखिए इस डाई के लिए, इस मॉडल के लिए, इस कवर के लिए हमें यही डाई यूज करना होगा। ये इसके लिए सूटेबल डाई है मोटो G5+ के लिए। देखिए जैसे कि ये सेट आप देख रहे हैं सेट हो गया है, और ये जो हम डाई यूज कर रहे थे इसके पहले जो था वो इसमें सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये डिफरेंट मॉडल का था और ये इससे साइज़ में भी बड़ा होता है। साइज़ का जो फ़र्क होता है डाई के थ्रू हमको पता चलता है, डाई के थ्रू ही हम साइज़ को परफेक्ट, कवर को परफेक्ट साइज़ के साथ बिना फिटिंग इशू के प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हम इसको प्रिंट करने के लिए लगाएंगे। देखिए इसमें, तो इसमें हम ये जान सके कि हमें जो डाई यूज़ करते हैं उसमें हम हर एक मॉडल का डिफरेंट डाई होता है और उसी को हमको यूज करना चाहिए। आप किसी दूसरे मॉडल के लिए किसी दूसरे मॉडल के डाई को यूज नहीं कर सकते, उस मॉडल के लिए आपको सेम वही डाई होना चाहिए। देखिए ये वैक्यूम देने के बाद ये जो हम प्रेस करते हैं, ये देखिए इसे हम रफ करेंगे ताकि कॉर्नर्स में प्रिंट सही से आ सके। सो फ्रेंड्स, इस तरह यू कैन सी दैट हाउ द मोबाइल कवर प्रिंटिंग इज बीइंग कंडक्टेड। पहले जो डाई हमने यूज की थी वो डाई हीटेड थी, प्री हीटेड थी, पहले से ही गर्म थी, बट ये जो डाई हमने ये
डाई इतनी हीटेड नहीं है, तो इसके लिए हमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, जिसमें आप ये भी एक जान सकते हो कि इसमें हम एक कवर को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है अगर शुरू से हम प्रोसेस करें तो। तो ये हमारा प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुआ तो एक कवर को बनाने के लिए हमें 8 मिनट टाइम लगता है, अगर आपकी डाई पहले से आप प्रिपेयर नहीं किए हो, हीट नहीं किए हो तो। और अगर आप हीट करके ऑलरेडी रखे हो तो उसके लिए हमें दो मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, बट इसके लिए हमें 8 मिनट टाइम लगेगा। हम ये टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं और 8 मिनट के बाद ये आपका कवर रेडी हो जाएगा। और ये कवर रेडी होकर इस तरह से आपको जैसे ये सारे कवर्स प्रिंट हुए हैं, देखिए इनकी क्वालिटी, जो लाइफ टाइम की गारंटी होती है इनकी कवर प्रिंट क्वालिटी के ऊपर, और पीछे इनकी ब्रांडिंग भी होती है जिस कंपनी के थ्रू बने हैं, जिस कंपनी का में ये रेडी हुआ, प्रोडक्शन जहाँ पे हुआ उसका ये लोगो भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना लोगो लगा कर इसे सेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी इन द डिफरेंट डिज़ाइन यू कैन प्रिंट ऑन ए मोबाइल कवर। यू कैन ऑल्सो मेक ए ब्रांडिंग ऑफ योर ओन कंपनी इन द बैक साइड ऑफ द मोबाइल कवर। एंड वी आर ऑफरिंग पैन इंडिया फ्रेंचाइजी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस यू कैन कंडक्ट फ्रॉम योर ओन एरियाज, ओन सिटीज। जस्ट यू हैव टू कम डाउन टू आर ऑफिस इन द्वारका सेक्टर 7। And if you want to contact directly, you can call to a number which is given in the description box. And this is the exact procedure of how you can make 3D 2D mobile cover. So, दोस्तों, next video में हम आपको 3D machine के बारे में और कुछ जानकारी देंगे जो कि आपको नहीं पता होगा। जैसे कि आपने डाई के बारे में देखा कि डिफरेंट मॉडल के डाई को हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे कि फिटिंग इशू आ जाती है और वो साइज़ भी परफेक्ट नहीं बैठते हैं। तो इस तरह से आप ये कवर तो ऑलरेडी रेडी हो जाएगा और इस तरह से शो करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कवर की प्रिंटिंग भी देख पाएंगे और उसके साथ मशीन के कुछ और भी कंडीशंस जो हैं, जैसे कि किस कैसे काम करता है और किसके फंक्शंस क्या हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को इस तरह से लाइक कीजिए। दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट लिखना और शेयर भी करना आपका सोशल मीडिया में, जैसे बहुत सारा हेल्पफुल वीडियो किसी को काम आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।